हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त शुभम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पृथ्वी पर स्वागत है। आज का ये वीडियो फेसबुक से रिलेटेड है। आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो आइए वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले आते हैं। ये है हमारे मोबाइल की स्क्रीन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे हमारा जो होम पेज है वो आपको देख पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन हैं। हालांकि आपको फेसबुक का जो पासवर्ड है उसे पता करके साथ ही साथ आपको डिलीट करना है आपको अपना अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक पे आना है। ठीक है, फेसबुक का एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, फेसबुक का हमने ओपन कर दिया यहाँ पे। अभी जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं, ये हमारा हो गया फेसबुक का मेन पेज। तो फेसबुक पे सबसे पहले आपको राइट साइड में अपर कॉर्नर पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक कर देते हैं आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपके जो भी आप जिस नाम से आईडी बनाए रहेंगे उसका आपको नाम दिख जाएगा। ठीक है, राइट साइड में अपर कॉर्नर पे आप देखेंगे सर्च बार के बगल में एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे आप सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहीं से ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एकदम ऊपर आपको दिख रहा होगा अकाउंट सेंटर, उसके नीचे आपको पर्सनल डिटेल पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है आपको ब्लू कलर में सी मोर इन अकाउंट सेंटर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपको अकाउंट सेंटर खुल के आ जाएगा। अकाउंट सेंटर आपको जैसे ही ओपन होके आएगा आपको जाना किस में है, पर्सनल डिटेल में जाना है। राइट, यहाँ से हम आपके पर्सनल डिटेल में आ गए। जैसे आप पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं यहाँ पे आपको जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस पर तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देख रहे हैं वो आपके काम करने हैं, दूसरा ऑप्शन है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपको किस पे जाना है, सेकेंड ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि आपको अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है या फिर डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन कर देते हैं, जो भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे रहा है। पहला तो है डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेरी, यहाँ से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और भविष्य में अगर आप चाहें तो आप फिर से आके अपना आईडी पासवर्ड देके यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ये टेम्परेरी हो गया। ठीक है, दूसरा है डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, मतलब यहाँ से डिलीट होने के बाद आप इसे दोबारा फिर से रिकवर नहीं कर पाएंगे, कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं होता है। कोई बाद में आपका सर्च भी करेगा आपकी ईमेल आईडी डाल के, आपका यूजर आईडी नाम डाल के, कहीं से कुछ भी कर ले वो पा नहीं सकता, उसके लिए उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें डिलीट करना है अकाउंट को, तो हमने डिलीट अकाउंट पे अभी क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने कंटिन्यू कर दिया। जैसे आप कंटिन्यू कर देते हैं तो ये बता रहा है डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट, जैसे आप डिलीट करते हैं उसके साथ साथ जो भी फेसबुक पेजेस आपने बनाए होंगे उस अकाउंट से वो भी साथ ही साथ आपका डिलीट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे ना बढ़े, अदरवाइज अगर आप डिलीट करेंगे तो ये जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं ये भी आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको भी डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे अकाउंट पे आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, दिखने लगेगा बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, मतलब कि हम आपकी क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, आप डिलीट तो कर रहे हैं। जैसे फेसबुक कहता है कि आप हमारा अकाउंट डिलीट ना करिए, अगर आप हमारे यूजर हैं तो बने रहिए, आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप डिलीट करना भी चाहते हैं तो रीजन क्या है, तो ये सारे रीजन है। फिलहाल इसको पढ़ने न पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपने मन बना ही लिया है कि हमें डिलीट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देते हैं तो आप दिख रहा है परमानेंटली डिलीट अकाउंट बिफोर यू डिलीट, आप क्या क्या इसमें डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं क्या, आप जो मैसेंजर्स की डिटेल है उसे भी डीएक्टिवेट और डिलीट करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं, सेव फोटोज इन योर अचीव्स, जो अभी आपके फोटोज हैं आप सेव करना चाहते हैं अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, अगर डिलीट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप सेव करना चाहते हैं जो कि आपने पहले उस पर सेव किया होगा तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ये सबसे बड़ा गेम है, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। ये इसलिए होता है, ऐसे तो कोई किसी का मोबाइल उठाए और वहाँ से ले जाके तुरंत डिलीट मार दे तो अगले को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए लास्ट मोमेंट पे आपको पासवर्ड होना आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो उसके लिए वीडियो के खत्म होने पे आपको एक हमारे दूसरे YouTube वीडियो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो का शो होने लगे, पॉपअप शो होने लगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप किसी भी Facebook अकाउंट का पासवर्ड कैसे पा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू भी आप जाके आप अपने Facebook अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, ठीक है। तो हम ऑलराइट, तो यहाँ से हमने अपना जो है पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे आप पासवर्ड उसमें एंटर करते हैं, कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन की एक बार फिर से आप कंफर्म कर लीजिए कि आप परमानेंटली इसे डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। उससे भी बड़ी चीज़ में मेंशन क्या कर रहा है, यू आर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यू आर अबाउट टू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर परमानेंट डिलीशन। आप इसके लिए शेड्यूल किए जा रहे हैं कि आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट किया जा रहा है। वंस यू आर शेड्यूल योर अकाउंट फॉर डिलीशन, यू हैव 30 डेज। एक बार आप शेड्यूल इसे कर देते हैं तो आपके पास 30 दिन का समय बचता है। उस बीच में आप कभी भी आके अगर अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड एंटर करके आप इसे लॉगिन कर लेते हैं, तो जो परमानेंट डिलीट का जो ऑप्शन है, जो शेड्यूल आपने किया हुआ है, वो नहीं होगा, फिर से आपका अकाउंट वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन तक कंटिन्यू आपने उसमें पासवर्ड इंटर नहीं किया, तो वो अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर उसे कैसे भी आप जाके आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। वो यू आपका ये मान के चलिए कि फेसबुक की तरफ से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, डिलीट योर अकाउंट करते हैं, ठीक है। डिलीट अकाउंट करते हैं, जैसे आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आपको करने लगता है, ठीक है। ये अकाउंट आपका हो गया अब डिलीट, तो यहाँ से अभी आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये रहा आपके इस वीडियो के बारे में। यहाँ से आप जो है किसी भी फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। प्रोसेस मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रोसेस आपका ये है कि सबसे पहले आप फेसबुक अकाउंट पे आएंगे, फेसबुक अकाउंट पे आएंगे आपको राइट साइड में कॉर्नर पर क्लिक करना है। जैसे आप आएंगे आपको एक नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। ऊपर से आप देखेंगे राइट साइड में अपर कॉर्नर पे दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा सेटिंग के। सेटिंग पे आप जाएंगे, वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है। तो वहाँ से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ये हुआ आपका प्रोसेस, ठीक है। अब अगर आपको किसी और सेटिंग्स के बारे में जानना हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, किसी भी सेटिंग्स के बारे में कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। कमेंट करिए हमें कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम उससे रिलेटेड आपको नया वीडियोज बना के बिल्कुल देंगे, जिससे आप भी और आपके साथ साथ कुछ और लोगों को हो सकता है कि ये वीडियो हेल्प कर सके। तो आइए मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।